नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। जब से फिल्म थप्पड़ का ट्रेलर आया है उसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, रिस्पांस भी बढ़िया मिल रहा है, जनता फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रही है। फिल्म में तापसी पन्नू और पावेल गुलाटी पति पत्नी के रोल में दिख रहे हैं। ये फिल्म एक रिश्ते के कई रूप दिखाएगी और डोमेस्टिक वायलेंस भी दिखाएगी। ट्रेलर में थप्पड़ मारने वाला एक सीन है, यही थप्पड़ तापसी के किरदार को फिल्म में एक मजबूत किरदार बनाता चला जाता है और कहानी आगे बढ़ती जाती है। तापसी ने एक इंटरव्यू में अपने किरदार और थप्पड़ वाले सीन की शूटिंग के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म में शायद यही वो सीन है जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा रीटेक्स लिए। तापसी ने बताया कि मेरे चेहरे पर कई बार थप्पड़ लगे ताकि हमें एक परफेक्ट शॉट मिल सके। फिल्म में भले ही सिर्फ एक थप्पड़ है लेकिन पावेल गुलाटी ने 7 रीटेक में सही शॉट दिया। मुझे लगता है कि मैंने पूरी फिल्म में इतने रीटेक्स नहीं दिए होंगे जितने इस सीन में हुए हैं। फिल्म में ये बहुत अहम सीन है तो इस सीन को हम हल्का नहीं दिखा सकते थे। तापसी ने बताया कि पावेल इस सीन को लेकर बहुत परेशान और डरे हुए थे। उन्होंने सीन के लिए हाँ कहने से पहले 2 दिन का वक्त लिया था। उन्होंने बताया कि अनुभव सिन्हा जो थप्पड़ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये थप्पड़ बिल्कुल असली होना चाहिए ताकि जब लोग इसे 60mm के पर्दे पर देखें तो ये सीन उन्हें असली और प्रभावी लगे। तापसी ने आगे कहा कि पावेल ने मुझे कहा कि मैं भी उनको थप्पड़ मारूं ताकि उन्हें मुझे मारने पर बुरा ना फील हो। 7 रीटेक में कभी मेरी गर्दन पर चांटा जमा देते तो कभी मेरे कान पर। फिर मैंने उनको समझाया कि कुछ मत सोचो, मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारो और इस सीन को निपटाओ। थप्पड़ में तापसी का जो किरदार है उसका नाम अमृता है, वो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ का किरदार है। उन्होंने बताया कि इस तरह के कैरेक्टर को निभाना उनके लिए एक चैलेंज था। तापसी ने यह भी बताया कि अमृता के किरदार को निभाते हुए मुझे घुटन होने लगी थी लेकिन मैंने इसे चुनौती की तरह लिया और फिल्म पूरी की। 15 दिन शूटिंग करने के बाद मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करने लगी थी। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी तेज तर्रार लड़की की छवि और माइंडसेट से निकलकर अमृता के किरदार में ढल जाऊं, लेकिन मैंने ये कर लिया। बाकी ये फिल्म का जो ट्रेलर है थप्पड़, आप उसे देख सकते हैं जाकर यूट्यूब पर। हम हाई फाइव भी कर चुके हैं इसके ऊपर, आप हमारा हाई फाइव भी देख सकते हैं। उन दोनों का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी थप्पड़ रिलीज़ हो रही है 28 फरवरी को, तो आप बताइए कि कैसी लग रही है फिल्म और आपको इस फिल्म के बारे में क्या फीलिंग आ रही है कि कैसे होने वाली है। और ऑफकोर्स अगर इस खबर से जुड़ी कोई बात आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाकी सिनेमा जगत की और खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।